हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2018 के एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। आपने बताना है कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें और पैरामीटर पास करें 1024, 1024, तो प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बारी एग्जीक्यूट होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम। हमने इसे कॉल किया, इस फंक्शन को, और 1024, 1024 पास कर दिया। अब क्योंकि हमने एक फंक्शन कॉल की है तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर पुश होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन। मान लो इस फंक्शन के लिए जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक पर पुश हुआ वो ये रहा। अब इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होंगे, यानी कि एक्स और वाई। अब देखो, इस पूरे फंक्शन में एक्स और वाई के बिना और कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो रहा। ओके, तो यहां पे एक्स और वाई के बिना कोई और वेरिएबल नहीं होगा। एक्स को हमने वैल्यू पास की 1024 और इसे भी 1024, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब देखो इस फंक्शन में जो पहली लाइन है वो है इफ वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ट्रू है। सॉरी, वाई इज नॉट इक्वल टू वन, ये ट्रू है। वाई वन ना होकर 1024 है। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो आप ये इफ वाला ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट करोगे। ओके, अब इस ब्लॉक में जो पहली लाइन है वो है इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, वो भी ट्रू है क्योंकि एक्स भी अभी 1024 है। तो आप ये ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट करोगे, इफ का पूरा ब्लॉक, बट आप ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ओके, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि ये दो लाइंस एग्जीक्यूट करने के बाद फंक्शन एंड हो जाएगा, दैट्स इट। बट इन दोनों लाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारी और लाइंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। लेट्स सी हाउ। इसमें पहली लाइन है प्रिंट स्टार, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट पहली बारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सेकंड लाइन है काउंट एक्स बाय टू कॉमा वाई, यानी कि हम फंक्शन काउंट को कॉल कर रहे हैं जिसमें हमने एक्स बाय टू पास किया, तो 1024 बाय टू यानी कि 512, तो हमने 512 पास किया और वाई एज इट इज यानी कि 1024 ही पास हो जाएगा। ओके, अब क्योंकि हमने एक फंक्शन को कॉल किया है तो एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा जिसमें x को हमने वैल्यू पास की 512 और y को जो वैल्यू हमने पास की वो है 1024। ओके, अब जो नया फंक्शन है, जब भी उस फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी, यानी कि जब इस फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो आप वापस आओगे इसी फंक्शन कॉल पर, और वापस आने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें और कोई भी लाइन नहीं बची, यानी कि जब यह फंक्शन पॉप करेगा इमीडिएटली ये फंक्शन भी पॉप हो जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं पी लिख रहा हूं ये याद रखने के लिए कि अब इस फंक्शन में और कोई भी लाइन नहीं बची, बस ये आखिरी लाइन एक फंक्शन कॉल है। जब भी इस नए फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पॉप हो जाएगा। ओके, एनीवेज, अब जो ये नया फंक्शन अभी कॉल हुआ है इसकी पहली लाइन देखो, ये है इफ वाई इज नॉट इक्वल टू वन, वाई वन नहीं है, वाई 1024 है, तो आप इसमें एंटर करोगे। ऐसे ही ये भी ट्रू है तो आप इन दोनों लाइंस को एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि पहले स्टार प्रिंट होगा, फिर आप फंक्शन को कॉल करोगे फॉर x बाय टू एंड y। x बाय टू यानी कि 512 डिवाइडेड बाय 2 जो कि होगा 256। ओके, तो नए फंक्शन में x की वैल्यू है 256 और y की वैल्यू सेम ही रहेगी 1024। ओके, अब देखो जब भी ये फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये नए फंक्शन की जब सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो आप वापस ऐसे ही फंक्शन पे आओगे और आपको पता चलेगा कि इस फंक्शन में और कोई भी लाइन नहीं बची, क्योंकि आप ये एग्जीक्यूट कर रहे हो ना। इफ वाले ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये इफ कंडीशन ट्रू रही होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि इसे प्रोग्राम की लास्ट लाइन माना जा सकता है, रादर इस फंक्शन की लास्ट लाइन माना जा सकता है। अब जब भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो आप इसके बाद वाली लाइन से शुरू करोगे और ये लास्ट लाइन है, यानी कि जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो इमीडिएटली ये भी रिटर्न कर देगा और उसके बाद आपको पता है ये तो रिटर्न करेगा ही। ओके, तो ये भी पॉप हो जाएगा इमीडिएटली जब ये पॉप होगा, तो वहां पे हमने पी लिख दिया। अब इस नए फंक्शन कॉल की बात करते हैं, इसमें क्या होगा। इसमें पहली लाइन देखो, इफ वाई इज नॉट इक्वल टू वन जो कि ट्रू है, If x is not equal to 1, वो भी ट्रू है, तो प्रिंट स्टार। अब ये भी स्टार प्रिंट कर देगा। ओके,
अब एक नया फंक्शन कॉल होगा फॉर x बाय टू कॉमा वाई। x बाय टू कितना है 128, y कितना है 1024। ओके, अब आई थिंक यू कैन गैस की क्या होगा। सिमिलरली ये फंक्शन स्टार प्रिंट करेगा और एक नया फंक्शन कॉल कर देगा, उसमें x की वैल्यू होगी 64, फिर नए फंक्शन में x की वैल्यू होगी 32, फिर अगले फंक्शन में वैल्यू होगी 16, फिर 8, फिर 4, 2 एंड देन 1। अब देखो, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट इट। तो कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा तब तक जब तक x की वैल्यू 1 नहीं होगी। अब जब भी x की वैल्यू 1 होगी तो हम if ब्लॉक में एंटर नहीं करेंगे, रादर हम else ब्लॉक में एंटर करेंगे। तो इसे अभी देखते हैं, बट पहले ये देखो कि स्टार कितनी बारी प्रिंट हुआ। तो देखो, ये सारे फंक्शन कॉल्स स्टार को प्रिंट करते जाएंगे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सो ऑन, यहां तक स्टार प्रिंट होगा। ओके, ये क्या है, x की वैल्यू है 2 पावर 1। यहां पे x की वैल्यू कितनी है 2 पावर 2, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है 2 पावर 3, सो ऑन लास्ट इस ब्लॉक के लिए या इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के लिए x की वैल्यू है 2 पावर 10। इन सभी के लिए स्टार प्रिंट होगा। अब मान लो इस फंक्शन में हमने अभी अभी स्टार प्रिंट किया और एक नया फंक्शन कॉल कर दिया, यानी कि ये वाला, तो 2, x की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1, तो नए फंक्शन में x की वैल्यू गई 1 और y एज इट इज पास हो गया। अब देखो, नए फंक्शन में जो पहली लाइन है वो है y इज नॉट इक्वल टू 1, ट्रू है। ओके, जो इस ब्लॉक में पहली लाइन है इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, x तो 1 है। अब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, और क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए हम एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, एल्स वाला ब्लॉक यानी कि ये दोनों लाइंस। ओके, अब ये फंक्शन ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब कि ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, यहां पे प्रिंट नहीं हो रहा। ओके, 2 पावर 1 से लेकर 2 पावर 10 के लिए प्रिंट हो रहा है, ये x की वैल्यूज हैं, यानी कि 10 बारी प्रिंट हुआ अभी तक। ओके, तो हम 10 बारी स्टार प्रिंट कर चुके हैं, जस्ट कीप इट इन माइंड। अब ये फंक्शन else वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि y इज इक्वल टू y माइनस 1, तो y की वैल्यू थी 1024, उसे बना दो 1023। आई थिंक अभी आपको समझ आ रहा होगा, अभी पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। काउंट 1024, y, यानी कि अब ये फंक्शन एक और फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू 1024 है और y इज इक्वल टू 1023 है। अब देखो, ये 1024 ऐसे ही दोबारा 1 तक पहुंचेगा। ओके, और y की जो भी वैल्यू यहां पे है वो ऐसे ही रह रही है, यानी कि ये 1023 ऐसे ही ऊपर तक जाएगा जब तक ये x इज इक्वल टू 1 नहीं बन जाता। ओके, मींस अब इस y की वैल्यू के लिए 1023 के लिए आप फिर से 10 बारी स्टार प्रिंट करोगे। ओके, तो 10 बारी आपने स्टार प्रिंट किया 1024 के लिए जब y इज इक्वल टू 1024 है, यानी कि ये 10 बारी। ओके, उसके बाद फिर से जब y इज इक्वल टू 1023 होगा तब भी आप 10 बारी स्टार प्रिंट करोगे, फिर जब y इज इक्वल टू 1022 होगा इसके लिए भी आप 10 बारी स्टार प्रिंट करोगे, सो ऑन। जब y इज इक्वल टू 10 जब y इज इक्वल टू 2 होगा उसके लिए भी 10 बारी स्टार प्रिंट होगा, जब y इज इक्वल टू 1 होगा तब देखो क्या है, जब y इज इक्वल टू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आप डायरेक्टली इस फंक्शन कॉल को एंड कर दोगे, यानी कि ये ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट नहीं करना, तो इसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट होंगी, इसके बाद फंक्शन ही एंड हो रहा है, यहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और फंक्शन रिटर्न कर देगा, यानी कि सबसे टॉप पर एक फंक्शन होगा वो रिटर्न कर देगा।
अब उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, बस सारे फंक्शंस एक एक करके रिटर्न करते जाएंगे. ओके वो उससे नीचे वाला फंक्शन रिटर्न करेगा, फिर उससे नीचे वाला, सो ऑन. ये सारे फंक्शंस या सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स पॉप होते जाएंगे. ओके लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. देखो जब y की वैल्यू थी 1024 और x की वैल्यू है 1024, तो y को हमने ऐसे ही रखा और x को हर बारी डिवाइड बाय 2 करते गए, तो 10 बारी ऐसा करने पर हम यहां तक पहुंचे. ओके इन 10 बारी हमने प्रिंट किया स्टार, और 11th टाइम हमने प्रिंट करने की जगह y की वैल्यू रिड्यूस कर दी. अब y की वैल्यू रिड्यूस करके बन गई 1023, और जो हमने नया फंक्शन कॉल किया उसमें x को हमने खुद से वैल्यू दे दी 1024. ओके अब दोबारा से कुछ ऐसा ही होगा, यानी कि इस 1024 को रिड्यूस करने के लिए 10 बारी और स्टार प्रिंट होगा. फिर जब 11th टाइम ये फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन कॉल में हम y इज इक्वल टू y माइनस 1 एग्जीक्यूट करेंगे, तो y बन जाएगा 1022, और फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा. ओके तो हर वैल्यू ऑफ y के लिए हम 10 बारी स्टार प्रिंट कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दिस लास्ट टाइम. तो टोटल ये कितना है, 2 से लेके 1024 तक, यानी कि 1023 टाइम्स, 1023 टाइम्स इतनी बारी हम 10 बारी स्टार प्रिंट कर रहे हैं. तो टोटल प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बारी एग्जीक्यूट हुई, दिस इंटू 10, यानी कि इसका आंसर है 10230, इतनी बारी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. ओके